वेलकम टू माई न्यू वीलॉग। आज मैं वीलॉग स्टार्ट किया, मैं बताती हूँ कि आज मेरी भाभी हैं, वो जा रही हैं पढ़ने के लिए अब्रॉड, तो आज उनके लिए खाना तैयार कर रही हूँ मैं। यहाँ मैं चिकन का सालन तैयार कर रही हूँ। ये कबाबों के लिए मैंने आलू रखे हैं, साथ में चिकन के पीसेस भी डाले हैं। बोनलेस चिकन कबाब बनाऊँगी, आलू वाले कटलेस भेज देने कहते हैं। यहाँ मैं चिकन बना रही हूँ। असल में मेरी भाभी जा रही है ना पढ़ने के लिए, PhD करने के लिए बाहर, तो उनका आज लास्ट है, आज लास्ट फेयरवेल डिनर है इधर, तो हम उनके लिए खाना तैयार कर रहे हैं। तो मैं आज आपको चिकन की जो मज़ेदार सी सालन की रेसिपी शेयर करूँगी, साथ साथ और तैयारियाँ मैं दिखाऊँगी। देखिए प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, अब ये हम चिकन इसके अंदर डालते हैं। ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन है हमारा, ये हमने इसको मिक्सअप किया है। चिकन को पहले इसलिए डालते ताकि इसकी स्मेल चली जाए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। पहले फ्राई प्याज के साथ हो जाए, आँच हल्की रख के इसको हम उस समय फ्राई करते हैं, फिर मैं मिक्सी काटते हैं। देखिए ब्राउन हो गया हमारी, अब ना इसमें हम ये डालते हैं इलायची और एक ब्राउन, इससे खुशबू भी अच्छी आती है। ये मैंने साग लहसुन और टमाटर का पेस्ट बना रखे हैं। इसमें 3 टमाटर हैं और 1 जवा लहसुन का डाला मैंने, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। पेस्ट से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये अब इस पेस्ट में बनेगा, इसमें हम डालते हैं 1 स्पून नमक, इसमें हम 2 स्पून मिर्च डालेंगे और इसमें ये 2.5 बड़ा मिर्च, 1 स्पून रेड मिर्च, इससे कलर भी अच्छा आएगा। इसको अब हमने भूनना है। हल्दी डाली और बाकी हम धनिया पाउडर डालते हैं, धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से भूनना है और ये खुश्क हो जाए। इसको तेल आँच में रखना है ताकि तेजी से भून जाए। फिर हम आलू काटते हैं, इसमें हम आलू ऐड करेंगे, मिक्स करते हैं। अभी दोनों सारी चीज़ें अच्छे से आलू भी गल जाएंगे और फिर भुनाई का टाइम आएगा तो हम इसको भूनेंगे और उसको तेज आँच में रख दें। ड्राई देखें, ये देखिए ग्रेवी बन गया, भुन गया है, बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। ये बस आप शक्ल देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल ग्रेवी जैसा इसका चावल है। आलू भी गल गए, ये हमारा तैयार है। ठीक है, अब हम कबाब के बैटर बनाए हैं, ये साथ फ्राई हो रहे हैं, ये बड़े यम्मी यम्मी बन रहे हैं। उनमें मसाला कम ना हो, वाइट वाइट दिख रहे हैं। सकिए मसाला ये इसके ऊपर देखो के जब से फ्राई हो रहे हैं, देखिए आप देखिए मेरी शक्ल कितनी प्यारी लग रही है। चिकन का सालन मैं आपको दिखाऊं, मैं इसमें क्योंकि बॉयल राइस के साथ हमें यूज़ करना है, तो ये मैंने इसको शोरबे वाला बनाया है। इसकी खुशबू बहुत मदद की आ रही है, जितना भुना जाए उतना टेस्टी होता है। तो आप ये देखें, अब मैं बॉयल राइस बॉयल करूँगी क्योंकि बारिश हो रही है तो गैस भी जा सकती है, तो उससे पहले मुझे राइस भी बॉयल करना है क्योंकि 7:40 हो गए हैं, हमें 8:30 तक खाना रेडी करना है। तो अभी मैं राइस बॉयल करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। गाइस ये हम हलवा भी बना रहे हैं, आपको पहले मेरी पिछली वीडियो दो। गाइस ये हम हलवा बना रहे हैं, इसका नाम है मुखड्डी का हलवा। सॉरी मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं की, तो मैं इसकी रेसिपी आपसे ना एक ज़्यादा सी वीडियो में शेयर करूँगी। राइस हमारे यहाँ बॉईल हो रहे हैं, दम पे पड़े हैं और साथ हमारा हलवा तैयार हो रहा है। बीच में तो बोलती नाजरीन हम साथ आटा भी गूंद रहे हैं। ये हमारा आटा है रात का, आपने मुझे बोला।